हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MN एजुटेक। दिस इज अशोक बेरवा फ्रॉम एम्स दिल्ली। इमेज वाला सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्टरी लाइन और वेंटिलेटर से रिलेटेड इमेजेस के बारे में, जो कि नॉर्सेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लीट इमेजेस के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट इमेज हमारे सामने है प्रेशर बैग की, है ना। एक प्रेशर बैग है जो कि आर्टरी लाइन में स्पेशली यूज किया जाता है, जो आर्टरी सिस्टम होता है उसमें यूज किया जाता है। और इस बैग में एक स्पेशल टाइप का प्रेशर क्रिएट किया जाता है और इसके अंदर हिपेरिन प्लस नॉर्मल सेलाइन हेप्सलाइन का कॉम्बिनेशन बना के हैंग किया जाता है। और वो IV ड्रिप सेट से कनेक्ट होता हुआ पेशेंट के ट्रांसड्यूसर से कनेक्ट होता है, जो ट्रांसड्यूसर फर्दर पेशेंट की आर्टरी लाइन आर्टरी कैनुला से कनेक्ट होता है। तो इस बैग की वजह से पेशेंट की जो आर्टरी लाइन होती है उसकी पेटेंसी बनी रहती है। और सेकेंड थिंग की जो पेशेंट की आर्टरी लाइन का बैक फ्लो होता है, वो बैक फ्लो होने से ये प्रेशर बैग प्रिवेंट करता है। साथ ही ट्रांसड्यूसर के थ्रू पेशेंट के जो आर्टरियल रीडिंग होती है ब्लड प्रेशर की, वो मॉनिटर की स्क्रीन पे नोट की जाती है। तो इस बैग का मेन पर्पज यही होता है कि पेशेंट की आर्टरी लाइन का जो पेटेंसी है वो बना रहे, साथ ही बैक फ्लो होने से प्रिवेंट हो। अगर इस बैग में आप नोट कर पा रहे हैं तो एक तरफ प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस लगी हुई है और सेकेंड जो है वो प्रेशर क्रिएटिंग एक कप लगा हुआ, जैसे BP अपरेटस में होता है। इस कप के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया जाता है एक मैक्सिमम लेवल तक और फिर पेशेंट की जो आर्टरी लाइन है उसकी पेटेंसी मेंटेन की जाती है। तो एक सिंपल सी इमेज है, आपको क्लियर रखना है कि प्रेशर बैग किस प्रकार का होता है आर्टरी लाइन में। क्लियर है। नेक्स्ट इमेज की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकेंड इमेज हमारे सामने है ट्रांसड्यूसर होल्डर की, जो ट्रांसड्यूसर होता है ना, जो आर्टरी लाइन से कनेक्ट होता है, ये ट्रांसड्यूसर लगा हुआ तो इसको होल्ड करने वाला एक स्पेशल डिवाइस होती है ना। जैसे अगर आप इधर नोट कर पा रहे हैं सेकेंड इमेज में, तो एक IV स्टैंड है और IV स्टैंड पे एक डिवाइस लगी, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर होल्डर, कि ट्रांसड्यूसर को होल्ड करने वाली एक डिवाइस है जिससे ट्रांसड्यूसर होल्ड किया जाता है ना। मल्टीपल ट्रांसड्यूसर यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे सिंगल है, देन यहाँ पे अदर पोर्ट है, फिर यहाँ पे अदर पोर्ट है ना। तो इस इमेज को क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर होल्डर। क्लियर है। नेक्स्ट इमेज की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड इमेज हमारे सामने आर्टरी लाइन ट्रांसड्यूसर की। अभी लास्ट इमेज में तो हमने देखा ट्रांसड्यूसर होल्डर, लेकिन ट्रांसड्यूसर होता कैसा एग्जैक्टली यहाँ पे दे रखा है। तो ये ट्रांसड्यूसर होता जिसमें एक पोर्ट में, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्ट है, इस पोर्ट में तो जो IV ड्रिप्स हमने फर्स्ट वाली इमेज में देखी थी वो कनेक्ट किया जाता है, और जो अपर वाले पोर्ट होते हैं इस पोर्ट के अंदर, ये वाला पोर्ट है, इसमें आर्टरी लाइन कनेक्ट किया जाता है और इस वाले पोर्ट से उसको फ्लश किया जाता है या कुछ सैम्पलिंग पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये एक आर्टरियल लाइन के लिए ट्रांसड्यूसर हो गया और ये मॉनिटर से कनेक्ट होता है, जो ये वाला एक और पोर्ट है इसमें, तो ये मॉनिटर से कनेक्ट किया जाता है और फिर उस मॉनिटर में पेशेंट की आर्टरी लाइन की रीडिंग चलती रहती है, स्पेशली ब्लड प्रेशर और मेन आर्टरियल प्रेशर की रीडिंग मॉनिटर पे शो होती रहेगी, वो नेक्स्ट इमेज में हम देखेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा आर्टरी लाइन ट्रांसड्यूसर की इमेज। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे कंप्लीट दे रखी है, IV ड्रिप सेट भी यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। क्लियर है ये इमेज। नेक्स्ट इमेज की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने आर्टरियल कैनुला की इमेज है ना। आर्टरियल कैनुला, जैसे IV कैनुला होता है वैसे स्पेशल प्रकार का आर्टरियल कैनुला होता है, तो ये एक आर्टरियल कैनुला की इमेज है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट बॉडी साइज और रिक्वायरमेंट अलग अलग कैनुला यूज किया जाता है। यहाँ पर बस एक जनरल व्यू बनाने के लिए कि आर्टरियल कैनुला किस प्रकार का होता है, तो वो इमेज मैंने यहाँ देर की है। तो ये यहाँ तक है और इसमें गाइड वायर लगा हुआ है ना, अगर आप नोट कर पा रहे तो ये गाइड वायर है पूरा, और ओनली कैनुला जो एक रबर का या जो लेटेक्स का कॉम्बिनेशन इसका जो होता है उसका ये इतना ही है, जो ग्रीनिश कलर का लुक है। और इसको स्टिच करने के लिए यहाँ पे दो छोटे छोटे से पोर्ट बना रखे, इससे पेशेंट के जो जहाँ भी आर्टरी लाइन लगाते हैं, मोस्टली तो रेडियल आर्टरी लाइन ही यूज करते हैं, तो वहाँ पे इसको स्टिच किया जाता है ताकि इसकी पोजिशनिंग होल्ड नहीं हो, मतलब मिसप्लेस नहीं हो। तो ये यहाँ पे आर्टरी लाइन का कैनुला हो गया हमारा। अगर आप सेकेंड इमेज देखिए तो यहाँ पे और अलग तरीके का एक कैनुला दे रखा है। क्लियर रखना है, एक जनरल व्यू रखना है कि आर्टरियल कैनुला किस प्रकार का होता है। क्लियर है ये इमेज। नेक्स्ट इमेज की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने किट आर्टरी लाइन का, जो भी कंप्लीट की तो किट होता है या आर्टरी लाइन की अगर ट्रे की बात करें कि क्या क्या उसके अंदर होता है, तो यहाँ पे वन बाई वन देखा, देख ऊपर की तरफ तो वही आर्टरियल कैनुला हो गया दोनों है ना, पेशेंट की बॉडी साइज के अकॉर्डिंग। ये गाइड वायर हो गया इधर है ना, और ये हमारा ट्रांसड्यूसर हो गया जो कि हमने इमेज में ऑलरेडी देख लिया, ये वाला ट्रांसड्यूसर है। और फिर ये यहाँ पे सिरिंज हो गई, फिर यहाँ पे ये गोज वगैरह, और ये सिल्किंग के सिल्क टाइप के सूचर है ना, नाम भी दे रखा, लेकिन मेन यहाँ पे याद रखना स्टिच करने के लिए जो सूचर है वो यहाँ पे रखा हुआ है। और ये एक यहाँ पे स्केल्पल है ना, जो ब्लेड भी हम इसे समटाइम बोलते हैं जो कट करने के लिए। तो ये एक पूरा किट होता है, किट में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी याद रखना, पर्टिकुलर भी हमने आपको बता दिए। क्लियर है ये इमेज। ओके, नेक्स्ट इमेज की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने है आर्टरी लाइन मॉनिटरिंग
मॉनिटर में हमें किस प्रकार दिखती है ना, मॉनिटर में बहुत सारी रीडिंग चलती रहती है, तो मॉनिटर के अंदर आर्टरी लाइन रीडिंग कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? तो आप नोट कर पा रहे जो ये रेड कलर से मेंशन कर रखा और स्पेशली इसका नेम भी यहाँ मेंशन कर रखा है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आर्ट है ना, ART, आर्ट आर्ट मीन्स आर्ट्रियल लाइन, और इधर देर का है IBP, इनवेजिव ब्लड प्रेशर। इनवेजिव ब्लड प्रेशर कैसे आएगा? जब हम इनवेजिव यानी इनवेजिव टेक्निक के थ्रू लेंगे, यानी पेशेंट की जो लाइंस होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उसके अंदर इंसर्ट करके जब ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाएगा उसे इनवेजिव ब्लड प्रेशर बोलेंगे, जो कि एक आर्टरी लाइन के थ्रू किया जाता है। यहाँ पे दे भी रहेगा 120/80 और इस तरफ जो 93 देर का वो मेन आर्टरियल प्रेशर की मॉनिटरिंग है ना। तो ये मॉनिटर पे आर्टरी लाइन किस प्रकार दिखता है ये भी मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। बाकी यहाँ पे अदर रीडिंग कौन कौन सी है, तो जो फर्स्ट वन ग्रीन कलर में दे रखी है वो ECG का पैटर्न दिखा रखा है यहाँ पे, जो भी पेशेंट का हार्ट रेट चल रहा है अभी 80 है। और नेक्स्ट है येलो कलर में रेस्पायरेटरी रेट पेशेंट की, जो कि 14 यहाँ पे दे रखी है। SpO2 है ना, सेचुरेशन ऑफ पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर, तो वो भी यहाँ पे एक ब्लू कलर से इंडिकेट कर रखा। और नेक्स्ट यहाँ पे CO2 है ना, पेशेंट का CO2 जो वेंटिलेटर पे होता है तो उसका मेनली ETCO2 मॉनिटर करना होता, तो CO2 वाली रीडिंग भी यहाँ पे दे रखी है ना। और भी बहुत सारी रीडिंग्स होती है मॉनिटर में, लेकिन मेनली आपको याद रखना है कि आर्टरी लाइन की रीडिंग कौन सी होती है, जो कंटिन्यूसली इस प्रकार से फ्लो होती रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टरी लाइन रीडिंग है ना। एग्जाम में मॉनिटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इसलिए हमने ये कवर किया है ना, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको भी आपको याद रखना। नेक्स्ट इमेज की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने पोर्टेबल वेंटिलेटर की है ना। पोर्टेबल वेंटिलेटर, जब पेशेंट को एक वार्ड से या कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो उस टाइम हम मेनली यूज करते हैं। तो पोर्टेबल वेंटिलेटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपके सामने जो दो मेनली फ्रिक्वेंटली यूज किए जाने वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर मैंने मेंशन कर रखे, तो इनके जो ट्यूबिंग्स वगैरह इनके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी मशीन है ना। दोनों तरफ ट्यूबिंग लगी हुई है, पेशेंट का जो भी इनलेट और आउटलेट पोर्ट होते हैं वो, साथ ही यहाँ पे जो रीडिंग्स है उसको देख के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है ना, क्योंकि बहुत सारी मशीन्स होती है तो वो लुक लाइक सेम होती है ना। जैसे अगर हम डीफेब की बात करें तो वो भी थोड़ा बहुत दिखे, लेकिन उनमें कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई है, कौन कौन सी चीज़ें उससे कनेक्ट है, उस चीज़ को माइंड में रखते हुए फिर आपको इमेज को आइडेंटिफाई करना है ना, ऐसे डायरेक्टली तुक्का नहीं मारना। तो ये पोर्टेबल वेंटिलेटर की इमेज होगी। नेक्स्ट इमेज हम कवर करते हैं वेंटिलेटर मशीन की, वो पोर्टेबल वेंटिलेटर था, ये जो स्टैंड बाई वेंटिलेटर जो बेड साइड रहता है वो वेंटिलेटर है। तो दोनों इमेज आपके सामने है, इस तरफ ये वेंटिलेटर है ना, अगर आप क्लियरली देख पाए तो एक स्क्रीन लगी हुई है, फिर सारा सेटअप यहाँ पे हो रखा है और इसको भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें भी व्हील लगे हुए हैं और इस तरह पूरा सेटअप है ना, मतलब ये तो जैसे चल ही रहा है ना, रीडिंग्स वगैरह सारा मॉनिटर कर, लेकिन यहाँ पे टेस्ट लंग लगा हुआ तो उस पर वेंटिलेटर को ऑन करके टेस्ट किया जा रहा है वेंटिलेटर का फंक्शन प्रॉपर है या नहीं है, जो कि नेक्स्ट इमेज हम देखेंगे टेस्ट लंग्स की। तो यहाँ पे ये ट्यूबिंग्स लगी हुई है ना, इनलेट लगा हुआ, आउटलेट भी लगा हुआ है ना, सारे ट्यूबिंग्स लगी हुई है और यहाँ पे जो पेशेंट का डाटा रहता है वो सारा मॉनिटर होता है। तो वेंटिलेटर की स्क्रीन की क्या मॉनिटरिंग रहती है वो भी हम नेक्स्ट इमेज में कवर करेंगे, लेकिन वेंटिलेटर किस प्रकार से दिखता है तो वो आपको इमेज कवर रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने वेंटिलेटर की स्क्रीन मॉनिटरिंग किस प्रकार, मतलब वेंटिलेटर की स्क्रीन की बात करें तो कैसी होती है, कौन कौन से डाटा वहाँ पे होते हैं, तो यह आपके सामने वेंटिलेटर स्क्रीन की मॉनिटरिंग है। यहाँ पे पेशेंट का मोड रहता है कि कौन से मोड पे है, अगर चेंज करना हो तो ये टच स्क्रीन होती है तो इससे हम चेंज भी कर सकते हैं। अभी पेशेंट ACVC मोड पे है। फर्दर यहाँ पे अलग रीडिंग्स देर की, जैसे FiO2 सेट कर रखी है तो कितनी है, 50 पे सेट कर रखी है। देन जो वाइटल टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे मेंशन कर रखा है। देन नेक्स्ट पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट कितना देना है वो 14 पर मिनट यहाँ मेंशन कर रखा है। देन IE है ना, इंस्पिरेटरी एक्सपायरेटरी रेशियो यहाँ पे मेंशन कर रखा है 1:2। देन P पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर यहाँ पे 5 cm/s2 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी रीडिंग्स नीचे की तरफ दे रखी है, वहाँ पे अगर पेशेंट का क्या डाटा आ रहा है एग्जैक्टली, ये तो हमने सेट कर रखा है, पेशेंट का डाटा क्या आ रहा है वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है। जैसे FiO2 पेशेंट अभी क्या 49% पे है, पीक प्रेशर उसका 8 है अभी है ना, पीप उसका 6 cm/s2 है, माइन्यूट वॉल्यूम यहाँ पे 5.2 लीटर तक है। देन टाइडल वॉल्यूम 130 ml, 38 ml दिखा रहा है, रेस्परी रेट 13। तो ये मॉनिटर का स्क्रीनिंग होता है, यहाँ पे मेन्यू देर का होता है ना, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि किसको हम दे रहे, अडल्ट है, पीडियाट्रिक बच्चा है या ओल्ड एज का ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। देन वो सर यहाँ पे रीडिंग्स है, तो मेनली आपको चीज़ को देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये किससे रिलेटेड है ना, डाटा वहाँ पे देर का होता है स्क्रीन पे, उससे के थ्रू आपको आइडेंटिफाई करना है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सबको चीज़ें क्लियर रखना है। नेक्स्ट है हमारे सामने इमेज।
वेंटी सर्किट या वेंटिलेटर जो ट्यूबिंग्स होती है ना, अभी जस्ट हमने लास्ट इमेज में देखा था पूरा वेंटिलेटर सेटअप कर रखा था, तो उसकी ट्यूबिंग्स होती है उनको स्पेशल नाम दिया जाता है, वो है वेंटी सर्किट, समटाइम वेंटिलेटर सर्किट भी उसे बोला जाता है। तो ये सारी ट्यूबिंग्स होती है, ये इधर से पेशेंट की ट्यूब से कनेक्ट होती है ना, जो भी वो कैथेटर माउंट होता है, देन उसके जो भी एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, ट्रेकेस्टमिक ट्यूब होती है, उससे कनेक्ट होता है यहाँ से, और ये पेशेंट का इनलेट और आउटलेट वाला होता है, और ये वाला होता है, ये वेंटिलेटर से एयर आता है इधर, इधर वो एयर ह्यूमिडिफाई होता है पेशेंट की बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना, उसको उसके अकॉर्डिंग हीट एडजस्ट किया जाता है, देन पेशेंट को ये यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है। और जो वाइट वाला है वो आउटलेट वाला पोर्ट होता है, जो वेंटिलेटर से होता है वापस बाहर की तरफ, जो CO2 पेशेंट की बॉडी से एक्सक्रिएट आउट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा सर्किट का सिस्टम यहाँ पे है ना, इसकी और डिटेल्स हम क्लास से देखेंगे, लेकिन अभी जस्ट हम इमेज कवर कर रहे हैं, तो इमेज का एक माइंड सेटअप आपको बनाना है कि इमेज किस प्रकार की होती है वेंटी सर्किट की, है ना। ये यहाँ पे इमेज देर की है, यहाँ पे ये जो हीट और मॉइस्चर एक्सचेंजर वाले डिवाइस है वो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, ओनली जो वेंटी सर्किट का जो ट्यूबिंग्स है वो यहाँ पे दे रखी थी, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है ना, डबल ट्यूबिंग एक साथ दे रखी है और ये वाला पोर्ट है ना। चीज़ों को ठीक से देखना है कि कहाँ पे हम यूज करते हैं, किस प्रकार यूज करते हैं, उसके बाद ही सेलेक्ट करना, क्लियर है। नेक्स्ट इमेज की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट इमेज हमारे सामने है जो कि फ्रिक्वेंटली आ रही थी अभी, टेस्ट लंग्स है ना, टेस्ट लंग्स फॉर वेंटिलेटर, मतलब वेंटिलेटर को पेशेंट के यूज करने से पहले एक टेस्ट लंग पे यूज किया जाता है, ताकि वेंटिलेटर का जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। तो ये टेस्ट लंग्स है जो कि वेंटिलेटर के फंक्शनिंग को असेस करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे ये भी टेस्ट लंग्स है, यहाँ पे बायलेटरली दे रखे हैं टेस्ट लंग, और ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के यहाँ पे दे रखे हैं ना, कौन से एज के या किस मतलब बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कि कौन से पेशेंट को हम यूज कर रहे हैं उसी आधार पर टेस्ट लंग लेके एक बार वेंटिलेटर फंक्शन को असेस किया जाता है। लेकिन ओवरऑल इमेज आपको माइंड में रखना कि टेस्ट लंग की इमेज किस प्रकार की। तो ये आज का हमारा लेक्चर हो गया, नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लेके आएंगे, बने रहिए हमारी सीरीज में, थैंक यू सो मच।